सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंड और बर्ड सो. ये तो आपको इसकी एग्जाम्पल दे देंगे. अब हम इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं. कंजंक्शन में आप देखें, हसन एंड हिज ब्रदर प्लेड. हसन और उसका भाई खेल रहे हैं. अब एंड क्या कर रहे हैं, हसन और ब्रदर के दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं. आई वेंट देयर बट ही वॉज एबसेंट. अब देखें, आई वेंट देयर एक पूरा मुकम्मल जुमला है और ही वॉज एबसेंट एक मुकम्मल जुमला है, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट जो कर रहे हैं बट. तो इन सेंटेंसेज में एंड और बट इसको शो कर रहे हैं, कंजंक्शन को शो कर रहे हैं. उसके बाद सेकेंड लास्ट हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन. प्रेपोजिशन वो अल्फाज होते हैं कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन से कबल इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनका तअल्लुक किसी दूसरी चीज़ से या किसी दूसरे फ़र्ज़ से ज़ाहिर किया जाए. ठीक है, जैसे इन, एट, ऑन, अंडर. क्या है, प्रेपोजिशन है. अब हम इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके देखते हैं. आई प्लेस्ड माई बैग ऑन द टेबल. बैग को कहाँ रखा गया है, टेबल पे. आई शैल स्टेड इन मरी. ठीक है, लेट अस सिट बाय द टेबल. अब अगर आप इन एग्जांपल में देखें तो ऑन, इन, बाय इसको शो करें, प्रेपोजिशन को शो करें. अगर हम इसके और एग्जांपल देखें तो आप ऑफ, फॉर, टू, अबाउट, आफ्टर, एट, ये सारी की सारी प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स हैं. लास्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन अ वर्ड एक्सप्रेसिंग फीलिंग आर इमोशन. इंटरजेक्शन आपके पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. एक्सप्रेसिंग फीलिंग आर इमोशन. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दीजिए, ओ इलास हुरा. अब हम इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं. ब्रावो, यू हैव वन. अब ब्रावो वो खुशी के इजहार के तौर पर इस्तेमाल करें, यू हैव वन के वो जीत. अब वो जीत चुके हैं चूँकि, इसलिए वो खुशी के इजहार में ब्रावो कह रहे हैं. हुरा, वी हैव वन, हम जीत गए. अब इसमें क्या, हुरा भी खुशी का इजहार कर रहे हैं. अब डोंट मेक नॉइस. इस अब आप देखें, ब्रावो, हुरा, ये किसको शो कर रहे हैं, इंटरजेक्शन को शो कर रहे हैं. तो हमारे यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुके हैं. आपने इनको अच्छे से सुनना है, स्टडी करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और ख़ुद से भी एग्जांपल आपने ढूंढ के सर्च करनी है, लिखनी है, ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और अच्छे से आ जाएं. थैंक यू.